क्लियर है भाई। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, लगभग आवाज सभी लोगों को मिल पा रही है। चलिए रेडी है। चलिए देखिए, आपके क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है यहां पर जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है, यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है दोस्तों यहां पर राइट क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतर तरीके से देखिए जवाब भी आ रहे हैं। चलिए लिखने वाला कहां है, चलिए तो देखिए यहां पर आपका कह रहा है कि भैया गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से आपकी निकलती है, तो वन नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा, याद रखिए नासिक जो कि ऑप्शन है यहां पर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों, नासिक आपका आंसर हो जाएगा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से या दोस्तों याद रखिएगा निकलती है, तो ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए थोड़ा सा पिन को थोड़ा सा मोटा कर ले, है ना, हाँ वेरी गुड। चलिए अब बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, दोस्तों टू को ऑप्शन देना है। यहां पर देखिए जो ऑप्शन आ गया है ए नंबर दोस्तों आपके, देखिए यहां पर सिंधु नदी, सिंधु नदी जो आपकी है दोस्तों, हमने आपको बताया है जो सिंधु नदी आती है वो आपकी यहां से होके आती है और ऐसे आपकी गिरती है, है ना। यहां पर दोस्तों गोदावरी नदी दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा नदी है, ये सब आती है कहां पर, ये आपके बंगाल की खाड़ी में, और ये कुछ आती है बांग्लादेश में, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपसे अगला, यहां पर दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, दोस्तों बताना है कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यहां पर थ्री को ऑप्शन देना है। थ्री की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यमुना से दोस्तों की नदी भी मिलती है, यमुना से बेतवा भी मिलती है, यमुना से आपकी चंबल भी मिलती है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऑप्शन बी दिया गया है सोन नदी, ये सोन नदी यमुना से नहीं, ये आपकी गंगा से मिलती है, इसका जो ऑप्शन आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। अब आप बताइएगा कि हिमालय जो आपका उद्गम स्थल नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर देखिए फोर नंबर में, और फोर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर झेलम नदी जो आपकी है, यहां पर यमुना नदी भी कहीं ना कहीं है, आपकी गंगा नदी है, लेकिन महानदी दोस्तों ये क्या है, क्या ये तो आपकी महानदी उड़ीसा वाले एरिया में आती है, उड़ीसा वाले एरिया में, इसका मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा। महानदी का उद्गम दोस्तों हिमालय क्षेत्र से नहीं होता है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बताइए हिमालय का अपवाह तंत्र से आपकी नहीं जुड़ी है, कौन सी नदी आपकी है, इसका आंसर दीजिए। आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में, तो आप देखिए फाइव नंबर में पहला जो आपका बी नंबर है सिंधु नदी, ये भी हिमालय की है, ब्रह्मपुत्र भी है और गंगा भी है, लेकिन जो आपकी गोदावरी नदी है भाई, गोदावरी नदी आपको तो मालूम है ये आपके कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जाती है, मतलब ऑप्शन जिसका आएगा यहां पर ये नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। गोदावरी नदी आप लोग पूरी तरीके से जानते हैं, और गोदावरी नदी जो कि आपकी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके कहां से निकलती है, यहां से निकलती है, और इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर सिक्स नंबर को लॉक करना है, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जो आप देना है आपका आंसर क्या होगा, वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, इसी प्रकार से कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा।
थोड़ी सी आवाज आपको हमारी फटी हुई मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा रात में क्या होता है नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए लैपटॉप से क्लास लेना पड़ता है और लैपटॉप में जो स्पीकर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बातें थोड़ा कम करें है ना, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए सिक्स नंबर का जो ऑप्शन आया है काफी लोगों ने सही दिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमालय कह रहे हैं कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भाई झेलम का हिमालय से है, यहां पर दोस्तों झेलम का हिमालय से है, आपका चिनाव का भी है ना, यहां पर दोस्तों रावी भी है। अब ये बताइएगा जो सतलज नदी है, सतलज नदी ये क्या आपके देखा जाए तो इस नदी का स्थल भारत में उद्गम भारत में नहीं है। झेलम भी है, चिनाव भी है। अच्छा हाँ, झेलम देखो सतलज नदी, ये सतलज नदी जो आपकी आती है हमने बताया था चेमू यंग ग्लेशियर, मतलब यहां से होके आती है तिब्बत वाले एरिया से है ना। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जो ऑप्शन सी नंबर आपका है ये इसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर, देखे काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला आ गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं। अब आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में भाई त्रिवेणी है कहां पर आपकी, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में त्रिवेणी है तो आप ये कहेंगे कि सर यहां पर जो आपकी गंगा नदी है, जमुना नदी है और आपकी यहां पर सरस्वती नदी, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। मतलब ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे आ गया है क्वेश्चन नंबर आठ, कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अब दोस्तों आपको हमने बताया था कि ये जो अरब सागर होता है वो कहां पर है, ये है दोस्तों आपका अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है ना। ये है आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब दोस्तों यहां पर याद रखिए कि अरब सागर में कह रहा है तो सिंपल सी बात है जो कृष्णा नदी है वो तो बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। यहां पर माही नदी आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, माही नदी। दोस्तों माही नदी जो आती है वो आपकी अरब सागर में आती है। और दोस्तों माही नदी से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो दोस्तों ये माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। दोस्तों थार रेगिस्तान दिया है, अब थार रेगिस्तान जो आपका है यहां पर कौन सी है, नाइन नंबर ऑप्शन दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर सावित्री तो आपकी नहीं होगी, ना ही तो आपकी मूठा होगी, ना ही तो गिरना होगी। यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी होगा लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों याद रखिए इसे लवणी नदी भी कहा जाता है ना, खारी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये दोस्तों आपके राजस्थान में से होकर आपकी बहती है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसकी जो नदियां की सहायक नदियां हैं उनका भी नाम है, किसी का सुखड़ी नाम है, किसी का लीलणी नाम है, याद रखिएगा इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिंधी एक ज्वरनद मुख का निर्माण करती है, अर्थात ये एस्चुरी का निर्माण करती है। यहां पर कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, क्वेश्चन नंबर 10 लॉक किया जाए। चलिए यहां पर देखें ज्वरनद मुख दिया है। देखो अगर हम आपसे बोले कि भैया जो आपके बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां जाती हैं वो बनाती है डेल्टा, क्या बनाती है डेल्टा बनाती है। यहां पर दोस्तों गंगा भी आती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी आती है ये भी आपकी डेल्टा बनाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये दो चट्टानों को तोड़ती हुई अर्थात दो चट्टानों से होकर आती है। और दोस्तों याद रखिएगा कांपिल में जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो आपका है वो नर्मदा नदी का है दोस्तों। और नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं, एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन जिसका आया है ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है 10, कह रहा है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। दोस्तों बताना है त्र्यंबकेश्वर जो आपका है ये किस नदी का स्रोत है, यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या होगा, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है। दोस्तों कावेरी का तो हो नहीं सकता है, क्यों भाई कावेरी का तो हो नहीं सकता है, यहां पर याद रखिएगा गोदावरी, गोदावरी दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपके त्र्यंबकेश्वर आपका है, नासिक त्र्यंबकेश्वर जो आपका है गोदावरी होगा और ये बंगाल में जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा, दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा प्रवाह जो आपका है ना पानी का प्रवाह वो गोदावरी का है, इसीलिए दोस्तों भारत की में दक्षिण गंगा जो बोलते हैं, याद रखिए दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा जो कहा जाता है गोदावरी को कहते हैं, याद रखिए दक्षिण गंगा है ना, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं।
अगर हम आपसे बोले दक्षिण की गंगा, क्या बोले दक्षिण की गंगा, अगर शब्द लगा देता है की, तो की हो जाता है कावेरी में, की हो जाता है कावेरी में, तो इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, कौन सी नदी दोस्तों आपको बताना है, कह रहा है आपसे कौन सी नदी, कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यहां पर दोस्तों 12 नंबर में। और 12 की अगर बात करते हैं तो भैया सिंधु की सहायक नदी चिनाव भी है, ब्यास भी है, रावी भी है, लेकिन गोमती नदी नहीं है भाई। ऑप्शन देखिए आपका जो डी नंबर है वो आपका हो जाएगा। गोमती नदी जो आपकी यूपी में आती है, यूपी में कहां से, तो यूपी में आपका पीलीभीत पड़ता है, पीलीभीत, और पीलीभीत में ही आपकी पड़ती है फुल्लर झील, और फुल्लर झील में ही से गोमती नदी निकलती है। लखनऊ आपका हो गया, जैसे लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी किनारे, जौनपुर बसा हुआ है, जौनपुर बसा हुआ है आपके, याद रखिएगा लखनऊ के किनारे। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा कि लखनऊ कहां बसा है, जौनपुर किस नदी किनारे, तो गोमती नदी किनारे, निकले कहां से, तो पीलीभीत से फुल्लर झील से निकले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे, अगला पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है। देखिए भाई आपने अभी तक पढ़ा होगा लेकिन ये क्वेश्चन शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अभी हाल ही में लेटेस्ट में पूछा गया है। कह रहा है दादर नगर हवेली में बहने वाली यहां पर नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये है आपकी ए नंबर दमन गंगा। अब इसको तुक्का भी मार सकते थे दोस्तों, है ना, यहां पर ताप्ती तो होगा नहीं, गोदावरी होगा नहीं, अब आपका आंसर यहां पर ए नंबर है दमन गंगा, आंसर लाइक मतलब राइट करना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपी नदी नहीं है। हर एक नदियां आज की कवर हो जाएंगी, इस वीडियो को पूरा देखेगा, पूरी की पूरी नदियां यहां पर कवर हो जाएंगे और जो आपका पूछा जाना है यहीं से आपको मिल जाएगा। दोस्तों कह रहा है प्रायद्वीपी नदी नहीं है, अब आप बताइए 14 नंबर में आप कहेंगे अलकनंदा नहीं है, अलकनंदा नहीं है क्योंकि अलकनंदा तो नदियां कहीं ना कहीं उत्तराखंड एरिया वाले में होती है, अलकनंदा भागीरथी है ना, ये सब आपकी आती हैं, तो पहला इसका ऑप्शन होगा क्योंकि नर्मदा कृष्णा महानदी ये सब आपकी कैसी हैं, ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए बताइएगा कि जो महानंदा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन लॉक करना है दोस्तों। 15 का ऑप्शन दोस्तों डी नंबर है, ये गंगा की नदी है, अर्थात ये गंगा की सहायक नदी है, क्वेश्चन नंबर है आपको लॉक करना है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चलिए बताइएगा यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, एक बार वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई, है ना, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, है ना, तो भैया आप बताइएगा यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है 16 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यमुना की सहायक नदी तो बेतवा आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर हिंडन भी है, चंबल भी है, लेकिन गंडक नहीं है दोस्तों, गंडक जिसको आप सुना रहा है आपका भी नंबर है, गंडक नहीं है दोस्तों यमुना की सहायक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, कृष्णा की सहायक की अगर पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिए कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यहां पर देखिए घाट प्रभा भी है, मूसी भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन मंजीरा नहीं है, यहां पर ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा, ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी घाट की सहायक नदी है। क्वेश्चन को समझिए फिर जवाब देना है, कह रहा है गंगा के उत्तरी घाट की सहायक नदी है, और उत्तरी घाट की सहायक नदी मतलब उत्तर से आती है दोस्तों, और ये है आपकी गंडक नदी है, ये गंडक नदी जो आपकी है ये उत्तरी आपकी है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 19, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ऑप्शन को लॉक करना है और फटाफट जवाब देना है जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, आपका आंसर इनमें से क्या होगा 19 नंबर में। और देखिए 19 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो लगभग जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में ये जो कृष्णा नदी है, क्या कृष्णा नदी आपकी ये वाली जो कृष्णा नदी है ये गिरती है आपके कहां से, तो आपकी बंगाल की खाड़ी में, जो कि आपके कर्नाटक से आपकी निकलती है दोस्तों, ऑप्शन इसका पहला वाला आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि भैया सतलुज नदी ये तो होगा नहीं, तापी नदी आपका होगा नहीं, नर्मदा नदी आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर ऑप्शन आपका ये नंबर है जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों ये बताइएगा कि पंजाब से कौन सी नदी नहीं गुजरती है, पंजाब से कौन सी नहीं गुजरती है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों जवाब दीजिएगा कि नहीं गुजरती है पंजाब से। देखिए 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पंजाब से आपकी देखिए सतलज भी आती है, रावी भी आती है, झेलम भी आती है, लेकिन क्या गंगा का मिलन यहाँ पर हो रहा है क्या भाई, गंगा तो नहीं होगा, गंगा तो ऐसे प्यारी निकल के चली जाती है ना, गंगा तो ऐसे आपको निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो आपका है डी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको सरल लगने लगेगा, वैसे ये टॉपिक बहुत बार हमने पढ़ाया भी है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों देखो हमने आपको बताया था कि डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है कौन सी नहीं बनाती है, सिंपल सी बात है जो भी आपकी नदियां अरब सागर में आती हैं, क्या अरब सागर में आती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना, और जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका 21 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, ये तापी नदी। दोस्तों तापी नदी जो आपकी आती है वो अरब सागर में, और ये क्या करती है जलप्रपात, क्या जलप्रपात का निर्माण करती है। सिंपल से अगर हम आपको याद रखने का तरीका बताएं तो ये जो आपका एरिया है ये वाला एरिया, मतलब ये वाला जो आपका एरिया है ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ है, और इधर साइड क्या है ढालू है, और इधर क्या है पत्थर वगैरह है, तो जब पत्थर से कोई भी नदी गिरेगी तो उसमें प्रपात का निर्माण होगा, क्या जल प्रपात का निर्माण होगा, ना कि डेल्टा। तो इसी कारण से क्या होता है जो भी नदियां अरब सागर में आती हैं वो सभी नदियां क्या करती हैं जल प्रपात का निर्माण करती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपको बताइएगा कि जो सिंधु नदी आपकी है ना, याद रखिएगा जो सिंधु नदी आपकी है इसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो आपकी ब्यास नदी भी है, यहां पर चिनाव नदी भी आपकी है ना, यहां पर रावी नदी भी आपकी है, लेकिन भाई जो आपकी गोमती नदी है ये तो आपकी यूपी में है ना, ये तो आपकी यूपी में है, यूपी में आपकी फुल्लर झील से निकलती है, लखनऊ से होती हुई जाती है, इसका मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों बताइएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो आपकी है यहां पर कौन सी है। चलिए दोस्तों 23 नंबर में, तो पश्चिम की ओर अब आप ध्यान दीजिए, पश्चिम की ओर नदी कौन सी आएगी, महानदी, महानदी हो सकता है क्या, कृष्णा नदी, साबरमती नदी और गोमती नदी। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, ये जो आपका है कृष्णा नदी, कौन, याद देखिए कृष्णा नदी जो आपकी है, कृष्णा नदी रुकिए पश्चिम की, माफ करिए यहां पर देखिए ए सी बी डी आपका है, यहां पर जो गड़बड़ी हो रही है क्योंकि ऑप्शन गड़बड़ लिखे हैं, यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर ये गड़बड़ लिखा था, यहां पर देखो दिया गया है पश्चिम की ओर बहने वाली, इसका मतलब है कि इस साइड में आएगी, और इस साइड में दोस्तों देखिए जो आपकी गई है कौन सी, साबरमती नदी। दोस्तों साबरमती नदी ये आपकी पश्चिम में होती है, हमने एक ट्रिक बताया था पश्चिम को बहने वाली समता, क्या बताया समता, मतलब यहां पर समता कर दीजिए समानता कर दीजिए समानता। दोस्तों यहां पर साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये चार कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपकी कहां आती हैं पश्चिम की ओर, और पश्चिम में आपकी गांव गई कौन सी, साबरमती हो गई, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कह रहा है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों आपको 24 नंबर लॉक करना है, कह रहा है पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों देखिए अलकनंदा से मिलती है आपके कर्णप्रयाग पर, कहां पर है, कर्णप्रयाग में, तो जिसका ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, कर्णप्रयाग में इनका मिलन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, और अरब सागर कहां पर है, अरब सागर आपका यहां पर है दोस्तों, ये है आपका अरब सागर, तो आप बताइएगा अरब सागर में कौन सी नदी आएगी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। तो आप कहेंगे सर नर्मदा नदी यहां पर आएगी, यहां पर दोस्तों जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी आएगी, तो इसका जो ऑप्शन है आपका पहला वाला आंसर है राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। अब देखिए कह रहे कौन सी नदी
समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देना, ध्यान से देखिएगा, आपसे गलती नहीं होगी। कह रहे समुद्र नहीं जाती, तो भाई आप बताइएगा कि भैया जो आपकी गंगा नदी है वो तो जाती है बंगाल की, मतलब आपके बांग्लादेश से, ये तो आपका जाएगी, महानदी भी जाएगी गोदावरी, लेकिन लूनी नदी जो आपकी है ये कच्छ किरण में जाते जाते क्या हो जाती है, गायब हो जाती है दोस्तों, याद रखिए, अर्थात इसमें पानी ही नहीं बचता है तो ये समुद्र में जा ही नहीं पाती है, इसीलिए इसे खारी नदी भी कहते हैं, इसे लवणी नदी भी कहते हैं, और एक राज्य में अंतःस्थली अर्थात एक राज्य में बहने के कारण इसे अंतःस्थली नदी भी कहा जाता है, जो कि मात्र एक राज्य में बहती है, राजस्थान में बहती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है, और अरब सागर कहां पर है, ये है आपका प्यारा सा अरब सागर है। दोस्तों अभी बताया था समानता, क्या बताया था, समानता, और समानता में क्या हो गया, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, और ताप्ती देखो ऑप्शन मिल गया है बी नंबर, ये नदी आपकी आती है अरब सागर में, मतलब जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यहां पर दिया है कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, अब आप बताइए कौन सी आंसर आपका हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लॉक किया जाए, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पूरब से पश्चिम, अब ये बताइए पूरब कहां पर है पश्चिम कहां है, तो भाई आप कहेंगे पूरब ये वाला एरिया है और पश्चिम ये वाला एरिया है ना। अब आप देखिए नर्मदा नदी भी ऐसे आती है, ताप्ती नदी भी ऐसे आती है, माही नदी भी आती है, लेकिन कावेरी आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि भाई कावेरी नदी तो आपके कर्नाटक की कुर्ग जिले से आपकी होकर निकलती है। ठीक है, यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ये तो आपके बंगाल में गिरती है, पश्चिम की ओर जाती है, तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर, बिल्कुल देखिए हम सभी का एक बिल्कुल जवाब आ रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनसे एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, सबका जवाब बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका ब्रह्मपुत्र आपका है ना, ब्रह्मपुत्र से अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र की नदियों में बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग निकालते हैं, ये नदी आपकी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, असम में जाती हुई ये आपके प्यारे बांग्लादेश में जाती है, और इस प्रकार से ये आपके विसर्जित हो जाती है। अब आप देखिए 29 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों यहां पर देखिएगा कि जो आपकी सुबनसिरी है, सुबनसिरी भी आपकी किसकी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, मानस नदी जो उससे आप सम में भी आपकी है ये भी आपकी है, और दोस्तों यहां पर जो आपका है धनश्री इंद्रावती, यहां पर धनश्री जो आपकी है ये भी आपकी है, लेकिन दोस्तों जो आपके इंद्रावती है ये तो आपके दक्षिण भारत में जाती है ना, दक्षिण भारत में बहती है, मतलब ऑप्शन जिसका आ गया है सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि बस ऑप्शन को आपको देखना होता है और ऑप्शन के अनुसार थोड़ा दिमाग लगाइए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि कावेरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, अब आंसर आपको लॉक करना है, जल्दी से बताइए कावेरी नदी कहां है आपके दक्षिण भारत में। अब देखिए कावेरी नदी की अगर बात करते हैं तो आप बताइए कौन सा आपका आंसर होगा 30 नंबर में। चलिए दोस्तों 30 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों एक नदी आपकी देखो वैगई है, अमरावती है, भवानी है, और आपकी कौन है काबिनी है, दोस्तों वैगई नदी जो आपकी है दोस्तों यहां पर जो आंसर है आपका 30 नंबर में वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। वैगई नदी दोस्तों याद रखिए ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों याद रखिए वैगई कावेरी इसकी नदी नहीं है, यहां पर आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, क्या दिया है पूर्व से पश्चिम, मतलब वही हो गया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, घूम फिरा की क्वेश्चन वही है, आपका आंसर हो गया सी नंबर नर्मदा नदी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा स्पीड में रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में आप देख पाएंगे कि गंगा की सहायक नदी में कर्मनाशा नदी है, याद रखकर गंडक नदी है, यहाँ पर सोन नदी है, लेकिन माही नदी नहीं है, दोस्तों याद रखिएगा ये अभी हमने बताया कि माही नदी तो भैया इधर को आती है ना, तो ऑप्शन जिसका डी आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में है, कहां पर मानसरोवर झील से है, तो बताइएगा ये तीनों नदियां जो हिमालय में मानसरोवर झील से है वो आपकी कौन कौन सी है, जवाब देते हुए चलेंगे, और जितने लोग भी आप नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप भगवान को नहीं मानती भैया, बातें बहुत करते हैं आप लोग, है ना।
इतना बातें लड़के कैसे करने लगे, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बातें लड़के कैसे करते हैं। इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ सड़बड़ हो कुछ बात, क्यों भाई लड़के इतनी बातें नहीं करते हैं क्लास में, लेकिन मतलब ऐसे लेकिन आज क्लास में बातें कुछ ज्यादा करते रहते हैं, हमें डाउट हो रहा है कि लड़के हैं कि वे नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की, और 33 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका बी वाला हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी, ये जो नदियां हैं वो आपके दोस्तों मानसरोवर झील से होकर निकलती हैं। ऑप्शन जिसका है यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, बार बार गलत होता है क्वेश्चन, अरे गलत नहीं होगा भाई, थोड़ा ध्यान दो जो गलत हो रहा है, ध्यान दो कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन 34 नंबर में, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यमुना और गोमती नदियां ये किसकी सहायक नदी है। अब आपको तो एक समझ में आ गया कि जो यमुना की सहायक है गोमती भी कॉमन है, मतलब ऑप्शन जो आपका डी है गंगा नदी। दोस्तों यमुना भी आती है किसमें, आपकी गंगा में, और गोमती नदी भी आपकी आती है किसमें, आपकी गंगा में, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। देखिए कह रहा है सप्त सिंधु क्षेत्र में, सप्त सिंधु क्षेत्र में क्या करती है, ये आपकी क्षेत्र में फैल जाती है लेकिन बाद में सूख भी जाती है। तो दोस्तों ये है आपकी सरस्वती नदी। दोस्तों सरस्वती नदी जो आपकी है वो क्या होती है, सूख भी गई है, आपको मालूम भी है जो आपकी सप्त सिंधु नदी, मतलब कह सकते हैं जो सरस्वती नदी है वो आपकी सूख गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तुक्का मार के काम चला सकते थे इस क्वेश्चन पर। अगला दिया है, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है। बार बार आपको वही चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भैया जो गोदावरी नदी है वो आपके कहां से, आपके महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर है ना, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में जो आपका नासिक है, नासिक से होकर निकलती है, मतलब जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहां पर कौन सा आपका डी नंबर राइट होगा, 36 का ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 37 नंबर कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए बताइए इसका क्या हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। दोस्तों 37 नंबर में आप देखेंगे कि यहां पर जो आंसर आपका सी है पटना में। दोस्तों याद रखिएगा पटना शहर में सबसे लंबी नदी यहां पर, क्योंकि भाई कई जिलों से होकर गुजरती है और जब कई जिलों गुजरती है तो सबसे ज्यादा लंबी जो आपकी बहती है वो आपकी पटना में बहती है। ऑप्शन जिसका है यहां पर सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके अगला आ गया है, कह रहा आपसे तेल नदी, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। अब आप बताइएगा तेल नदी जो आपकी है किसकी सहायक नदियां है, क्वेश्चन नंबर 38 है, और दोस्तों ये है आपके किसकी है तो आपके महानदी की है। ऑप्शन जिसका डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो तेल नदी है वो दोस्तों आपकी महानदी की है, ऑप्शन डी इसका राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दोस्तों यहां पर देखिएगा आपसे कह रहा है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी बिल्कुल सही है, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये भी सही है, नर्मदा तो आपका होगा नहीं, मतलब ऑप्शन देखा जाए डी हो जाएगा, ए और बी, मतलब ऑप्शन जो आपका ए है ऑप्शन बी है, ये सभी नदियां क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, कह रहा है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। अब दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी नहीं गुजरती है वो आपकी कहां से होकर नहीं गुजरती है, यहां पर जवाब देना है आपको आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए हमारी इस पोलियो हो गया, बस ध्यान देना है आपको बस लोकेशन 40 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखो आपका म्यांमार है, आपका कहीं यहां पर म्यांमार आपका यहां पर है, बाकी देखा जाए चीन भी आपका यहां पर पड़ जाएगा, यहां पर बांग्लादेश में तो आती ही आती है आपकी है, भारत से आती है सिंपल सी बात है, म्यांमार से नहीं आती है, म्यांमार से नहीं आती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। किसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों बताइएगा, सतलुज, रावी, चिनाव और ब्यास, यहां पर आंसर क्या होगा। तो आपका जवाब दोस्तों याद रखिएगा जो सतलुज नदी है ये भारत में नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि सतलुज नदी और आपकी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से आपकी निकलती है, मानसरोवर ये तो भैया तिब्बत में है ना, ऐसे आती है सतलुज नदी। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। अब आपको बताना है किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका जो 42 नंबर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर जो आपका है क्या कि किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है, साबनी का भी है, बेड़च का भी है, दोहन का है, लेकिन भैया चिनाव नदी नहीं है। हमने बताया कि कभी कभी ऑप्शन को भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान दिए होते तो बिल्कुल सही हो जाता। अब आपके दिमाग में आया कि अरावली की नदियां तो हमने नहीं पढ़ा है, अब अरावली की नदियों में आप ढूंढ रहे हैं कौन सी, सुखड़ी नदी, लीलड़ी नदी, यहां पर जो आपकी है ना लूनी नदी, तो या वो तो ऑप्शन में है भी नहीं है, तो क्या करोगे। ऑप्शन एक बार देखिए तो चिनाव नदी आपने पढ़ा है, सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन को पकड़ा जाता है ऑप्शन को अनुसार पकड़ा जाता है, थोड़ी अगर तैयारी किए हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार अर्थात ट्रांस हिमालय नदी है। दोस्तों देखिए हमने बताया था हिमालय की भी कुछ आपकी श्रेणियां है ना, यहां पर हिमालय की क्या है श्रेणियां है। अब आपसे कह रहा है ट्रांस हिमालय में जो बहती है वो आपकी कौन सी नदी है। दोस्तों ये जो आपकी सतलुज नदी है, कौन सी, याद रखिएगा सतलुज नदी जो आपकी है, सतलुज नदी जो आपकी है ये आपके ट्रांस हिमालय नदी है। ऑप्शन इसका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में, कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बताइएगा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अब आप बताइएगा, बिल्कुल आसान हो गया है, इजी हो गया है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं यही चीज रिपीट हुए हैं और यही क्वेश्चन 2022-2023 में पूछे गए हैं। हमने जो भी क्वेश्चन आपको लिए हैं 2021-2022 एग्जाम में जो आपके हुए हैं वो आपके पेपर है, जैसे UPSC के माध्यम से, SSC के माध्यम से, जो SSC का माध्यम है, UPSC का है, उनसे रिलेटेड आपके जो 2021 में, 2022 में, 2023 में कुछ हुए हैं उन सबको निचोड़ लिया है। मतलब वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 44 नंबर का जो ऑप्शन बी नंबर ताप्ती नदी, ये दोस्तों पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है ताप्ती नदी, तो भैया बैतूल जिले भी आपको निकलती है यहां से, है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर हो गया, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। चलिए बताइएगा कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली इनमें जो नदी है वो आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। दोस्तों बताइए जल्दी से, यहां पर गलत नहीं होना चाहिए, हमने बताया भी है आप लोगों को भैया जो आपकी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है नदी वो आपकी कौन सी है। यहां पर देखिए जायरे नदी, क्या कांगो की जो जायरे नदी है, जायरे नदी ये भूमध्य रेखा को दोस्तों क्या करती है, दो बार काटती है, याद रखिएगा दो बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी ये है। अब यहां पर दोस्तों कृष्ण नदी भी है, यहाँ पर गोदावरी भी है, यहाँ पर माही नदी भी है, लेकिन साबरमती नहीं है, क्योंकि साबरमती नदी आती है आपके अरब सागर में। कहाँ आती है, आपके अरब सागर में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। दोस्तों बताइएगा कि कौन सी नदी है जो भारतीय हिमालय से निकलती है। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, भारतीय हिमालय से निकलती है कौन सा हो जाएगा। 47 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों यहां पर भारतीय हिमालय से गंडक, घाघरा और यमुना कहने के निकलती है, लेकिन कोसी नदी आपकी नहीं निकलती है भाई कोसी नदी। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो नदी है कौन सी, कोसी नदी, वो आपका जो भारतीय हिमालय से निकलती है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय हिमालय से। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो गंडक नदियां हैं वो नेपाल से आपकी आती है, कहां से आती है, नेपाल से आती है। यहाँ पर घाघरा नदी भी यहीं पर आपसे होके निकल के आती है, यमुना आपकी उत्तराखंड के पास से आती है ना, तो यहां पर जो कोसी है आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 48 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। दोस्तों बताइएगा कि पंचनाथ में शामिल नहीं है वो आपकी कौन नहीं शामिल है, बताइए कौन सी नदी पंचनाथ में नहीं शामिल है। दोस्तों 48 नंबर में देखिए, यहां पर दोस्तों ब्यास नदी भी है, याद रखिएगा यहां पर आपका सतलज नदी भी है, रावी नदी है, लेकिन सिंधु नदी नहीं है, याद रखिएगा कि इसमें से सिंधु नदी आपकी नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी नदियां हैं ये बताइए, पंचनद, याद रखिए पंचनद, पंचनद में जो आपकी नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी नदी आएगी यमुना नदी, नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग सभी लोग से गलती हो जाएंगी, यमुना नदी आपकी इसमें आती है, चंबल नदी भी इसमें आती है, ठीक है,
चंबल नदी भी इसमें आती है। इसके बाद सिंधु नदी पहुज नदी क्यारी नदियां बहती है, शाम ढलने के साथ ही यहां पर नजारा अद्भुत होता है। पंचनद किस नाम से जानते हैं? देखो सतलज, रावी, ब्यास, झेलम। हाँ देखो सतलज यहां पर देखो कौन कौन होगी इसमें से ध्यान देना, क्योंकि गड़बड़ी हो रही थी। वो पंचनद है और ये अलग है। देखो सतलज नदी आती है इसमें, कौन कौन से आती है ध्यान देना, सतलज नदी आती है, फिर आपकी रावी नदी आती है, फिर आपका चिनाव भी आती है, झेलम भी आती है ना, ये निकलती है दोस्तों। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखो हमने आपको बताया था भ्रंश मतलब होता है दो पहाड़ों के टूट जाने से बीच से जो नदियां निकलती हैं वो नदी आपकी होती है क्या। यहां पर दोस्तों जो आपकी है कौन सी, आपका आंसर क्या होगा 49 नंबर में, यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका है बी नंबर दोस्तों, तापी नदी है जो आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। दोस्तों आप बताइएगा कि नेपाल हिमालय से जो निकलती है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों चंबल तो आपकी निकलती नहीं है, यहां पर गोदावरी निकलती नहीं है, नर्मदा भी नहीं निकलती है, तो सिंपल सा ऑप्शन बचा है यहां पर बी नंबर है, जो नर्मदा नदी है, जो गंडक नदी वो आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो गया है बी नंबर है, इसका बन जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट समझ में आ गया भाई सबको, आ गया। तो आपके कितने हो गए क्वेश्चन, हमने 50, और 50 क्वेश्चन में पूरा का पूरा निचोड़ ले लिया है, पूरा का पूरा यहां पर निचोड़ आपका ले लिया गया था, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके नदियों से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आपको दोस्तों यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर दोस्तों, चलिए धन्यवाद सभी को।